13 मार्च को होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा पंजाबी धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील भी की। इस दौरान बजट सत्र के दौरान स्पीकर द्वारा कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान को पूरे सत्र से निलंबित करने पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से उन्हें बाहर किया गया वो गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विपक्ष के अंदर आज कांग्रेस पार्टी और प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही पहलू होते हैं, और सत्ता पक्ष अगर लोगों की जिम्मेवारी निभाने में विफल रहे तो फिर विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि लोगों को संगठित करके लोगों की आवाज बढ़े। आज की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। जहां हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन है, वह महंगाई में नंबर वन है। आज नशे से हमारे युवाओं का फ्यूचर खराब हो रहा है। किस प्रकार हरियाणा प्रदेश में नशा बढ़ रहा है। आज हरियाणा प्रदेश का किसान को अगर खाद की जरूरत होती है तो नहीं मिलती। हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों की बुरी हालत है। कहने का मेरा ये कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। और आपने देखा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कल हरियाणा प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारा किस प्रकार से हमारा खत्म हो, किस प्रकार जाति और धर्म से नाम से बांटने का एक बिल लाकर किस प्रकार से सारी मुद्दों से ध्यान हटाने का एक प्रयास किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। और जिस प्रकार स्पीकर का रवैया था कि कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज ना उठा सके, हमारे सबसे सीनियर जो स्पीकर भी रहे MLA डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को किस प्रकार से मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया, इससे पूरा काम नहीं हो सकता, इसकी हम निंदा करते हैं। तो आज अगर विधानसभा में आवाज नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। तो आज इस सिलसिले में धनेश्वर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई कि 13 तारीख को कांग्रेस विधायक दल द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो कुरुक्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा हर एक की भागीदारी हो, महिलाओं की हो, युवाओं की हो, उसमें किसान की हो, व्यापारी की हो, मजदूर की हो, उसमें हर वर्ग SC BC समाज के लोग जुड़े और अपनी बात हुड्डा साहब और MLA के साहब सामने रखे। इसके सिलसिले में धनेश्वर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग। बता दें कि पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र में करने जा रही है, जिसके लिए सभी नेता अलग अलग हलकों में जाकर कार्यकर्ताओं को न्योता दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।